हाँ, तो आप लोगों की भारी डिमांड पे मेरा मतलब है, चार लोगों के कमेंट के बाद मुझे पता लगा कि आप लोगों को आप लोगों में से कुछ को इंटरेस्ट था DDLJ के पार्ट टू देखने में, DDLJ के नर्स छल के पार्ट टू देखने में। सो हियर इट इज DDLJ का पार्ट टू, यानी DDLJ इन नर्स छल पार्ट टू, यानी कि आगे की जो स्टोरी है वो। पिछली स्टोरी में मैंने ये बताया था अब कटरीफ होता है खत्म, लेकिन दोनों में प्यार होता है शुरू। खैर, अब जो है सिमरन वापस आ चुकी है अपने घर पे और अपनी मम्मी को वापस वही रोमांटिक रोमांटिक बातें बता रही है, जहाँ पे उसके अब्बू उसके पापा जी अमरीश पुरी सुन लेते हैं उसकी बातें और उसकी लग जाती है। सिमरन इज वेरी वेरी फ्राइटेंड ऑफ हर डैड और वो डर के मारे आगे कुछ बोल भी नहीं पाती। इतनी औकात थी मम्मी से इतनी रोमांटिक बातें करने से, तो पापा को थोड़ा तो समझाने की कोशिश कर ले। इट्स हर चॉइस। उसके बाद राज का भी वही हाल है। राज और सिमरन एक्चुअली दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है। राज जो है इसी तरीके से अपने घर में बैठ के वो छोटा सा तानपुरा बजा रहा होता है, जहाँ पे उसके पापा पता नहीं कैसे उसका माइंड रीड कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बचपन से ठगी तो वो उसका माइंड रीड कर लेते हैं और जान जाते हैं कि ये किसी लड़की के चक्कर में, और उसको बियर लाके देते हैं अगेन, क्योंकि बड़े लोगों में होता रहता है बाप बेटे एक दूसरे को दारू पार्टी देते रहते हैं, एज यू नो। जहाँ पे राज का बाप जो है अनुपम खेर, ये जो है किसी तरीके से धीरे धीरे जो है राज से ये पता लगवा लेते हैं कि लड़की कौन है क्या है, सिर्फ ये पता लगवा पाते हैं कि लड़की का नाम सिमरन है और वो इंडिया में रहती है। सिमरन के बाप को जैसे ही पता लगता है, अमरीश पुरी जी को जैसे ही पता लगता है कि उनकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला के बैठी हुई है, तो उसे वो जल्दी जल्दी से लेके वापस पहुंच जाते हैं इंडिया में, पहली फुर्सत में निकाल। तो इस प्यार भरे महफिल में होता ये है कि अमरीश पुरी अपनी बेटी और एक्चुअली पूरे परिवार को लेके, जिनमें दो बेटियां हैं और एक और छोटी बेटी जिसका बाद में कोई भी काम नहीं होता, लेकिन पूरी की पूरी मूवी में उसको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। आई डोंट नो व्हाट, क्यों क्यों लाया गया है उसे इस मूवी में, हाँ क्यों, क्या काम था उसका, बात कर मेरे को जानता नहीं है ये। उधर राज के पापा जी इतने महान होते हैं कि वो अपने बेटे को ये कहते हैं कि जब तक तू मेरी बहू को लेके मेरे घर में वापस नहीं आता, मैं तब तक घर में वापस आई हुई मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में चाहिए एक बहू जो मेरे को दारू सर्व करके दे, मुझे खुद से नहीं निकालनी। नहीं ऐसा नहीं कहते वो, मतलब उनका मतलब ये था कि अपने प्यार को पूरा कर जैसे मैं ठरकी था। साले। राज अपने बाप के दिए हुए आदेश को पूरा करने के लिए चले जाता है सिमरन को ढूंढने, लेकिन लंदन में जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे जाने को उसे पता लगता है कि सिमरन वहाँ नहीं रहती, क्योंकि उसके पापा लेके चले गए उसे लंदन, इंडिया। तो वो चला जाता है वापस इंडिया और पता नहीं कैसे निंजा टेक्निक से, क्योंकि वो हीरो ऑफ द फिल्म है, तो उसे पता लग जाता है कि सिमरन का घर कहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि वो पंजाब में रहती है, बट मैं तो किसी को दिल्ली में नहीं ढूंढ पाता जो कि पंजाब से कई गुना छोटा है, तो किसी को कोई पंजाब में कैसे ढूंढ सकता है, पता नहीं। खैर छोड़ो, तो वो पंजाब में उसे ढूंढ निकलता है, वो सिमरन से मिलता है और वो उसे बताती है कि मेरी शादी होने वाली है, सो फक ऑफ। बट वो ऐसा नहीं कहती है एक्चुअली, साले। वो ये कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, तो हम भाग जाते हैं और भाग के शादी कर लेते हैं, बट राज इज अ वेरी नाइस बॉय और वो क्या करेगा, वो करेगा मम्मी पापा की मर्जी से शादी। बोल रहा हूँ मैं तुमको, बहुत पिटाई होगी। राज उसके बाद जाता है उस लड़के के पास जिसकी शादी होने वाली है सिमरन से, उस लड़के को पहले जाल में फंसाता है, फिर उसे बचाता है और ये प्रूव करता है कि मैंने उसकी जान बचाई है, एंड इस तरीके से वो बेवकूफ लोग एक अनजाने लड़के को अपने घर में रख लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक रस्सी काट दी थी। आई डोंट नो व्हाट, और वो किसी तरीके से झूठ बोल के उनकी शादी में भी शामिल हो जाता है। आई डोंट नो हाउ, इट्स हर चॉइस। शादी में शामिल होने के बाद सिमरन को पता लगता है कि वाओ, राज इज अ नाइस एक्टर आल्सो, इसे तो टिकटॉक बनानी चाहिए थी यार। सो होता ये है कि उसके बाद ही मूवी में इतना ज्यादा घुस जाते हैं हम कि हमारे अंदर लॉजिक का देहांत हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता। एक्चुअली मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ मूवी की, तो हमें जो है लॉजिक समझ में नहीं आता कि एक्चुअली कोई अनजाना इंसान पहले लड़कों वालों की तरफ से और फिर लड़की वालों की तरफ से इन लोगों की पूरी शादी में मदद करता है, और फिर मदद करते करते एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और ये गाना आता है। गाना खत्म होने के बाद धीरे धीरे जो है अमरीश पुरी जो है थोड़ा थोड़ा इतना सा राज को पसंद करने लगता है, क्योंकि राज जो है उसके साथ oh. 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 Oh.
इस बात का भी कोई सेंस बनता नहीं है। फाइनली करवा चौथ आ जाता है जो कि हर रोमांटिक मूवी स्लैश सीरियल स्लैश सीरीज जो कि इंडियन हो जिसमें हिंदी बोली जाती है उसमें आना जरूरी होता है। करवा चौथ आ जाता है जिसमें सिमरन जो है इस नौटंकी करने लग जाती है कि मैं तो राज के हाथ से ही व्रत खोलूंगी और उसके लिए वो बहुत ज्यादा एक्टिंग करती है। जिसके बाद सिमरन की माँ को ये पता चल जाता है कि ये वही राज है वही कुत्ते का बच्चा है ये जिसने उसकी बेटी को फंसाया हुआ है साले। क्योंकि उसकी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक है तो वो अपने सारे गहने सिमरन को दे देती है और राज को दे देती है और कहती है कि तुम दोनों भाग जाओ। What the fuck? लेकिन ऐसा होता नहीं है और फिर बाद में जो है अमरीश पुरी को पता लग जाता है शादी के एक दिन पहले कि राज ही वो लड़का है क्योंकि वो उन दोनों की एक साथ फोटो देखते हैं। एंड देन एज यू नो अमरीश पुरी इज द फेमस विलन आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो वो अपनी बहुत ही ज़्यादा औसम हरकतें करते हैं और फिर फाइनली जो है राज को पता लग जाता है कि उसका आइडिया बहुत बेकार था कि माँ बाप की मर्जी से शादी करेंगे एंड देन वो बैग उठा के अमरीश पुरी के साथ जाने लगता है। लेकिन इस लड़के को यार चुल्ली नहीं खत्म हो रही। पहले तो इसने एक अनजाने लड़के को जिसने इसकी थोड़ी सी हेल्प करी हेल्प इतनी करी थी कि एक गोली इस तरीके से चलाई थी अगर वो मिस हो जाती ना बेटा तो तेरी जान जाती। खैर वो बात अलग है लेकिन इस अनजाने लड़के को पहले तो इसने अपने घर में रखा फिर लड़की वालों के पास ले गया फिर लड़की से मिलवाया और इतना सारा नौटंकी होने के बाद ये एंड में करता क्या है कि इसे ट्रेन में भी अकेला नहीं जाने देता इसके साथ मार पिटाई करता है। और राज को पता है ना यार मतलब ही इज अ हीरो ऑल्सो वो भी एक लेजेंडरी हीरो है सॉरी। इतनी मार पिटाई होने के बाद जब शाहरुख खान के मुंह से जुबान केसरिया हो जाता है तो उसके बाद वो वापस जाने लगता है लेकिन वहीं पे आ जाती हैं सिमरन विद हर मदर और साथ में फादर और उसके बाद ये लेजेंडरी सीन जा सिमरन जा जी रे अपनी जिंदगी। व्हाट व्हाट द फक जा बेटा जा I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any idea how fast I really am. तुमने इस सीन में नोटिस किया होगा कि सिमरन कितनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही है उसकी माँ बगल में खड़े होकर कितनी ना एक्टिंग कर रही है अमरीश पुरी ने कितना बढ़िया डायलॉग मारा है। लेकिन मुझे जो इस सीन से प्रॉब्लम है वो ये है कि राज पहले बिना टिकट के आई थिंक चढ़ा होगा कि आराम से पान गिलास थूकता हुआ राज जा क्यों रहा है। जब सिमरन के पापा मान गए हैं शादी कराने के लिए तो यहीं पे उतर जाओ ना यार टिकट को कैंसिल करा दो ना भी कराओ तो वो लोग करोड़पति है चलेगा मतलब क्या जरूरत है यहीं पे उतर जाओ इलाज भी करा लो शादी कर लो फिर उसके बाद चले जाना। नहीं पान विलास थूकता हुआ वो सिमरन को साथ में लेके जाएगा। सिमरन भी इतनी वेली है कि वो दौड़ी दौड़ी जाएगी राज के अंदर दिमाग दिए कि चेन खींच दे। तीसरी बात मतलब इस छोटी सी सीन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है मेरे को। सिमरन दौड़ी दौड़ी जा रही है वहीं पे उससे जस्ट पिछली वाली बोगी के गेट पे टीटी खड़ा है यार। सिमरन ने कोई टिकट नहीं ले रखी क्योंकि डेफिनेटली उनको थोड़ी पता था कि उनका बाप मान जाएगा इन मोमेंट पे और वो मस्त बिना टिकट लिए हुए दौड़ी दौड़ी ट्रेन के अंदर घुस जाती है। लेकिन इस बेले टीटी को कोई फर्क नहीं पड़ता इसे बस ये टेंशन है कि मैं मूवी के सीन में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। अगर आ रहा हूँ तो कोई टेंशन नहीं टिकट मत ले सिमरन भाग जा। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ये थी DDLJ की नटशेल मूवी का पूरा स्टोरी कहो या रिव्यू कहो। आई थिंक आप लोगों को पसंद आया हो हंसी आई हो और अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिसमें और भी मूवीज़ का रिव्यू और स्टोरी वगैरह आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और एक और वीडियो कल आने वाली है तो उसके लिए इंतजार करना और साथ ही साथ मैंने एक्चुअली 2-3 वीडियो के लिए सोच रखा है तो बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो इस वीडियो में कहा था कि जितनी बार मैंने हंसाया तो उतनी मेरे को वीडियोज़ बनानी है तो मैं उतनी वीडियोज़ बनाऊंगा। सो डोंट वरी थैंक यू वेरी मच।